मेवाड़ जय उदयपुर। तो मित्रों, आज हम उदयपुर के सबसे सुंदर सुप्रसिद्ध गुलाबबाग की इस पावन धरती पर नवलखा महल के अंदर विजिट करने वाले हैं। और हमारे साथ आदरणीय हमारे अशोक जी आर्य साहब आज हमें पूरा महल दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर क्या नया परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, उसके बारे में आज पूरे नगरवासी और हमारे पूरे भारत भर के लोग उदयपुर की सुंदरता को आज जान पाएंगे कि कितनी बड़ी धरोहर है और इस धरोहर से हमारा क्या क्या संबंध है, उसके बारे में भी हमें जानने का पूरा पूरा आज मौका मिलेगा। तो स्वागत है अशोक जी आपका। जी धन्यवाद। ये हम इस समय नवलखा महल के सामने खड़े हुए हैं। गुलाब बाग को तो उदयपुर का हर व्यक्ति जानता है, ये यहाँ का ऑक्सीजन हब है और हर व्यक्ति इससे प्यार करता है। इसके अंदर ही एक नवलखा महल है, हो सकता है बहुत से लोगों तक उसकी जानकारी न हो। भारतवर्ष के नहीं, विश्व मानवता के समक्ष जो सबसे बड़े महापुरुष इस युग के हुए महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज, वो महाराणा सज्जन सिंह का ये गेस्ट हाउस नवलखा महल एक्चुअली है क्या, ये सज्जन सिंह जी महाराज का अतिथि गृह था। उनके निवेदन पर महर्षि दयानंद यहाँ आए थे, 10 अगस्त 1882 को यहाँ आए थे और 6.5 माह यहाँ रुके थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना यहाँ की थी। तो यहाँ उस महामनीषी का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी रचना हुई, ये यहाँ का महत्व है। उसी को मॉन्यूमेंट के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लगभग 1992 में राजस्थान सरकार ने आर्य समाज को सौंपा था, हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। और अगर मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करके कहूँ तो वो ये है कि जो भारत का प्राचीन वैभव है, भारत का प्राचीन बौद्धिक गौरव है, वो आज कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता और उनकी जानकारी नहीं होती है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी नींव विचारों की पड़ गई है कि ये सारा हमें जो है वेस्टर्न जगत से ही जो कुछ है वो हमें मिला है, हमारी अपनी का इसमें कोई योगदान नहीं है। जबकि बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि जो कुछ मिला है पश्चिम को पूर्व से मिला है और हम उन बिंदुओं को यहाँ के यूथ को और समस्त जनता को और आने वाले पर्यटकों को बताने का प्रयास करते हैं। एक हमने यहाँ बहुत सुंदर, मैं अंदर चलूँगा तब आपको बताऊँगा, अभी जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि सामने नवलखा महल है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये 1992 में मिला था, तो उस समय भी बड़ा जर्जर अवस्था में था। यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट चलता था, तो शराब की बोतलें यहाँ पर जो है वो 2 ट्रक भर के निकली थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पवित्र स्थल का क्या हाल था। सही बात। तो उससे इसको उबारना था, आर्य समाज के दानदाताओं ने इस ओर प्रयास किया और काफ़ी हद तक इसको संभाला, पुष्पित किया, पल्लवित किया, परंतु फिर भी ये जर्जर हो रहा था। तो हमारी प्रार्थना पर यहाँ जो स्मार्ट सिटी की योजना है, परियोजना, उसमें इसको सम्मिलित किया गया और इसके जीर्णोद्धार के क्रम में इस भवन को मजबूती देने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। लगभग 50 लाख रुपए का सारा जो आप देख रहे हैं साइड में प्लिंथ प्रोटेक्शन वगैरह, छतों का सारा पुनर्निर्माण कहना चाहिए, वो सारा उन्होंने किया और वो आज उनका कार्य लगभग समापन हो करके वो जा चुके हैं। हम क्या चाहते हैं कि अभी भी जो ये बिल्डिंग है ये इतनी सुंदर बने, इतनी आकर्षक बने, इतनी प्रेरक बने साथ में, कि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति हठात मजबूर हो जाए कि ये कौन सा भवन है, क्यों ना इसके अंदर जाके देख जाना चाहिए। जब इसकी बाहरी दीवार ही ये मैसेज दे रही है, ये संदेश दे रही है, तो अंदर तो बहुत कुछ होगा। तो हमारी जो प्लानिंग है, बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि वेदों का आविर्भाव, वेद जो है मानव सभ्यता के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा द्वारा मनुष्य मात्र को दिया गया ज्ञान है, उसका नाम है वेद। ये 4 ऋषियों के ऊपर अवतरित हुआ था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 वेद 4 ऋषियों पर प्रकट हुए थे। तो ये 4 यहाँ के 5 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा तो हम एंट्री के लिए खोलेंगे, बाकी 4 दरवाजों पर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि की स्मृति में उनका वहाँ पर चित्र लगाते हुए उनके अवदान को रेखांकित किया जाएगा। उसके अलावा जैसे वेद में बहुत सारी बातें कही गई, उदाहरण के तौर पे एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते,
इसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी तो वृक्ष के फलों का उपभोग कर रहा है, एक केवल देख रहा है। ये त्रैतवाद का दिग्दर्शन है। ये पेड़ क्या है? ये प्रकृति है। इस प्रकृति का रसास्वादन कौन करता है? जीवात्मा करता है। तो एक पक्षी जो फल को खा रहा है वो जीवात्मा है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है, उसको कोई उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु दूसरे जीवात्मा के जो है, जो कर्म करेगा, उसका फल जो है परमात्मा देता है। तो ये एक बहुत सुंदर त्रैतवाद का उदाहरण है। ऐसे ही वेद में अन्य मंत्र हैं। हम इस सबको यहाँ पर बहुत ही सुंदर मुराल वर्क में या पत्थर के वर्क में इसको बनाने वाले हैं, और ये अपने बहुत ही, मैं समझता हूँ, विश्व भर में एक अद्वितीय ये दीवार, ये वॉल बनने वाली है। ऐसा हमारा यहाँ पर एक मोटिव है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरा होगा जी। तो अब चलते हैं अंदर, और कुछ अंदर के बारे में भी हम जानने की पूरा प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल आए आप जी। जी तो आज हमें अशोक जी आर्य साहब पूरा हमें नवलखा महल पूरा विजिट कराएंगे, और अंदर की सारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी जानकारी अवगत कराएंगे। तो चलें अंदर। ये जब हम यहां से प्रवेश करेंगे जी, जी ये हमारा द्वार हुआ। यहां से हमको वेदों का संदेश पहले ही मिल चुका है, ऋषियों का संदेश हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हमारी मानसिकता बन चुकी है कि हम एक पवित्र स्थल में जा रहे हैं जहां हमें ज्ञान का भंडार मिलने वाला है। तो यहां से जब प्रवेश करेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पर जो है हमारे राइट साइड में एक बुक स्टॉल है। जब दर्शक यहां आते हैं तो प्रभावित होकर के यहां से वैदिक साहित्य जो है, जो अन्यत्र बड़ा दुर्लभ साहित्य है, वो यहाँ मिलता है। अब हम जो नवीन योजना है वहाँ हम ये चाह रहे हैं कि इसको बहुत सुंदर दीवार बना करके, जो मैच करेगी हमारे अंदर के और बाहर के, उसको बहुत सुंदर दीवार बनाएंगे, और उस दीवार के आगे बिल्कुल जैसे आधुनिक बुक स्टॉल्स बनते हैं, जैसे आप लोगों ने एयरपोर्ट वगैरह पे देखे होंगे, जो आकर्षित भी करेंगे, उससे यहाँ पर जो है बुक स्टॉल्स का निर्माण कराएंगे। और इधर की तरफ जो प्रवेश द्वार के लेफ्ट साइड है, इस तरफ एक स्वागत कक्ष विकसित किया जाएगा, जहाँ पर वेटिंग के लिए, प्रतीक्षा के लिए जो है लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर। और सामने यहाँ पर एक LED होगी भव्य, उसमें सारे सिद्धांत, मानव जाति की विकास की योजनाएं और बहुत सारे न्यास से जुड़े हुए सूचनाएं और कार्यक्रमों की सूचनाएं वो सब यहाँ दी जाएंगी, लोग बैठ सकेंगे। यहाँ हमने एक RO प्लांट बहुत पहले से लगवा रखा है, पूरे पर्यटकों के लिए निशुल्क पानी की व्यवस्था यहाँ पहले से ही है, वो जारी रहेगी। इधर ऑफिस है, यहाँ कुछ शोधार्थियों और सन्यासियों के लिए कुछ अतिथि गृह बने हुए हैं, कुछ कक्ष बने हुए हैं, वो जनरल सामान्य लोगों के लिए नहीं है क्योंकि उनकी संख्या भी कम है। इनका भी जीर्णोद्धार अभी जो है वो कराया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो हम कराएंगे। ये आप देखेंगे अभी, अगर आप इसको फोकस करेंगे थोड़ा सा, ये जो सेकंड छतरी है ये आप देखिए, इस पे आपको ऊपर एक ड्राइंग दिख रही होगी। ये अभी स्मार्ट सिटी वालों ने जब इसका कायाकल्प किया तब जाकर के ये निकल के आया। ये हमने कभी इतने वर्षों में देखी नहीं, क्योंकि पुताई के ऊपर पुताई, पुताई के ऊपर पुताई कर दी गई। तो ये अभी उन्होंने इसका वास्तविक जो शिल्प था, जो 150 वर्ष पुराना, उसको उन्होंने उजागर किया है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, और ऐसा कार्य पीछे भी है, हम आएंगे देखेंगे। तो वास्तव में गुलाबबाग की इस धरती पर, मेवाड़ की इस धरती पर, उदयपुर की इस धरती पर नवलखा महल बहुत ही ज़बरदस्त संदेश दे रहा है, और ये हम आदरणीय अशोक जी आर्य साहब के विजिट के दौरान देखने को सुंदर सुंदर जी जी। ये जहां हम आए हैं जी जी, उसी का पहले वर्णन कर दें। यहां पहले ये डोम वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, बिल्कुल एक खुला हुआ चौक था। जब पर्यटक आते थे तो उनके पैर जो हैं वो गर्मी में जलते थे। हम बहुत समय से इसको, इसके उपयोग की बात सोच रहे थे। तो यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, उन्होंने डोम बनाने के लिए 10.5 लाख रुपये विधायक निधि से दिए थे। हमने वो जब डोम बना लिया तो डोम तो सिर्फ लोहे का बना हुआ था, तो जो चीज़ हम चाहते थे कि नवलखा महल का अपना वैशिष्ट्य लिए हुए कुछ इस तरह का दृश्य हो,
जो दर्शकों का मन मोह ले, तो उसके लिए फिर हमने और आर्य समाज के दानदाताओं से और लोगों से अपील की, तो वो जो दान आया उसके फलस्वरूप लगभग 40 लाख रुपए में ये यहाँ पर हमने एक थिएटर बनाया है और ये संस्कार वीथिका इसका नाम है। क्यों है वो मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूँ। यहाँ मनुष्य को जीवन निर्माण के लिए वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनीषा ने 16 संस्कार बताए हैं। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। अगर उनका अवलंबन व्यक्ति करे तो उस मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ काम चालू है। ये हमारे कलकत्ता बेस्ड, हालांकि अभी दिल्ली में है, श्री पहाड़ी जी, गौरमोहन जी पहाड़ी, बहुत अच्छे शिल्पकार हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी काम किया हुआ है, कई एयरपोर्ट्स में उनके काम है। ये उन्हीं की टीम है, ये कार्य कर रही है। और ये आप देख रहे हैं कि जो केविन साहब को दिख रहे हैं, ये 16 हैं इनकी संख्या, और इनमें 16 संस्कार आएंगे। और संस्कार कैसे होंगे, बिल्कुल जीवंत पुतलों के रूप में वो पूरा संस्कार दिखाया जाएगा, जिस पर ध्वनि और प्रकाश इसका संयोजन करते हुए एक के बाद 16 दिखाए जाएंगे। तो दर्शकों के सामने मान लो ऋषियों का जमाना जैसे वो साक्षात होकर के पुनः सामने आएगा। और ऋषि मनीषा दानो कह रही हो कि हे मेरे पुत्रों, अगर तुम इन संस्कारों का अवलंबन करोगे तो इस तरह के मानव के रूप में आपका विकास होगा कि आज धरती पर जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो संभवतः दूर हो सकेंगी। तो इसी क्रम में ये गर्भाधान से लेकर के पूरा ये इस तरह से, तो यहाँ आकर के दर्शक इस तरह से करेगा, बहुत सुंदर ध्वनि का और प्रकाश का संयोजन होगा, तो ये अपने आप में एक संदेश दे सकेगा। यहाँ भी नवलखा की जो आर्च शैली है वो आप ऊपर नीचे जहाँ भी देखेंगे उसको हमने मेंटेन किया। बहुत ही अद्भुत सुंदर ये निर्माण हुआ है और काफ़ी कलाकारों ने, कारीगरों ने काफ़ी यहाँ पे मेहनत जो है वो रंग लाई है, और ये डूम जो है उसमें और वृद्धि और चार चांद लगा रहा है। तो नवलखा महल से आप सीधा ये दृश्य देख रहे हैं, उदयपुर की सुप्रसिद्ध मेवाड़ की इस नगरी से, उदयपुर की इस नगरी से गुलाबबाग का ये दृश्य। और हम आदरणीय लगातार वर्मा जी के साथ बने हुए हैं और लगातार आप पूरा दृश्य नवलखा का एक एक सत्य, एक एक देखो आप बता रहे हैं बहुत ही अध्ययनता के साथ, बहुत गहराई के साथ। आइए कुछ नया दृश्य और देखने को मिल रहा है। ये देखिए हमने एक थिएटर बनाया है। जी जी, थिएटर तो बहुत सारे होंगे पर ये सज्जा मैं नहीं समझता हूँ किसी थिएटर की होगी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ये अपने आप एक संदेश दे रहे हैं कि हम इस थिएटर में क्या दिखाने जा रहे हैं। यहाँ कोई बॉलीवुड की पिक्चर दिखाने का इरादा नहीं, परंतु हाँ इसमें हमने उन्हीं सारे उपकरणों का उपयोग किया है जो कि PVR सिनेमा में आपको मिलते हैं। जब इसकी साउंड आएगी, जब इसके दृश्य आएंगे तो वो बिल्कुल उसी क्वालिटी के आएंगे। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है, पर कंटेंट से हमने वो कंटेंट इसमें दिखाने जा रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, जो दीवारों पर आप चित्र देख रहे हैं उससे आप समझ गए होंगे कि हम हमारे बच्चों को, हम हमारे यूथ को, हम हमारे युवाओं को क्या दिखाने की मन में तमन्ना रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक घड़ी इस आपाधापी के युग में रुक करके सोचे तो सही कि लाला लाजपत राय ने क्या किया, सोचे तो सही स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया, सोचे तो सही कि भगवान राम के चरित्र का हमें अनुकरण करना ही होगा। हमें सोचना ही पड़ेगा कि आज योगिराज श्री कृष्ण के चरित्र का हमें अनुकरण करना ही करना है अगर हमें मानवता को विनाश से बचाना है। तो हमारी योजना ये है कि उदयपुर के आसपास के जो सैकड़ों विद्यालय हैं उन विद्यालयों को आमंत्रित करके, और संभव हो कोई दानदाता अगर इस तरह का आएगा कि हमें बस दे देगा तो हम स्वयं उनको लाएंगे और छोड़ने जाएंगे। पर हमारा एक ही सपना है कि हर विद्यालय का, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी यहाँ आए और ऋषियों की इस मनीषा के चमत्कार को एक बार अनुभव करे, ताकि उसे अगर प्रेरणा मिले तो अपने जीवन को उस रास्ते पे आगे बढ़ा सकता है। तो ये थिएटर हमने जो है उसी क्रम में बनाया है। बहुत ही सुंदर।